किसी समय में विश्व का सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर अब बंद होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इस सबसे पुराने ब्राउजर को 15 जून से बंद करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 साल पहले 1995 में इस वेब ब्राउजर को शुरू किया था। कंपनी ने इसे अपने कंप्यूटर ऑपरेटिव सिस्टम विंडोज 95 के लिए एड ऑन पैकेज के रूप में जारी किया था। बाद में कंपनी इस पैकेज के तहत इस ब्राउजर को फ्री में देने लगी थी। एक समय में इस ब्राउजर का दुनिया में दबदबा था। वर्ष 2000 के बाद इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी। 2003 में इसकी वेब ब्राउजर मार्केट में हिस्सेदारी लगभग 95% हो गई थी और लगभग हर व्यक्ति इसका उपयोग करता था। बाद में बाजार में कई और ब्राउजर आ गए, उनके मुकाबले इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद को अपडेट नहीं कर पाया और बाजार में पिछड़ता चला गया। धीरे धीरे यह एक डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में बदल गया, जिसका उपयोग लोग दूसरे ब्राउजर के इंस्टॉल करने के लिए करने लगे। कंपनी ने कहा कि विंडोज 10 पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवाएं अब माइक्रोसॉफ्ट एज में मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर की तुलना में एक तेज, अधिक सुरक्षित और आधुनिक ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में नए ब्राउजर फीचर को विकसित करना बंद कर दिया था। यह पहली बार है कि दिग्गज कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को निष्क्रिय करने का फैसला किया है।